नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल कॉमन फंटूश में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं बॉलीवुड की एक बहुत ही प्यारी सिंगर ऋचा शर्मा जी की जुगलबंदी इंडियन आइडल की अरुणिता कांजीलाल के साथ में। दोनों में से कौन ज्यादा ऊंचे और तबाही सुर लगाता है और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग आती है, यही दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं ऋचा शर्मा जी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अरुणिता कांजीलाल की एक बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। अगर आप अरुणिता कांजीलाल के फैन है तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दर से बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। क्या बात है यार, कितनी गजब की बुलंद आवाज है ऋचा शर्मा जी की और कितने गजब के सुर लगाती है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस। ईश्वर सत्य है, जीवन जो जागर है। क्या बात है अरुणिता कांजीलाल की, बहुत ही प्यारी आवाज है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों की कंपेयर की कि दोनों में से किसने ज्यादा ऊंचे और तबाही सुर लगाए और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग और इमोशन आए। तो भाई ऋचा शर्मा जी बॉलीवुड की बहुत ही प्यारी सिंगर है, बहुत ही ज्यादा हिट गाने हैं इनके बॉलीवुड में, जैसे कि माही वे, बागवा रब है बागमा, और बहुत ही गजब के सुर लगाती हैं। भाई अरुणिता कांजीलाल अभी अभी नई नई इंडियन आइडल में आई है, ना ज्यादा संगीत सीखा है और ना ज्यादा रियाज है इनके पास में, तो जाहिर है कि ऋचा शर्मा का मुकाबला ये नहीं कर सकती है और ना ही इतने ज्यादा ऊंचे सुर लगा सकती है। तो मुझे तो यहाँ पर ऋचा शर्मा की परफॉर्मेंस सबसे प्यारी लगी। आपको दोनों सिंगरों में से कौन सा सिंगर ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के जाइएगा।